भाई ठीक है, तुमने हमको बुलाया अच्छा खासा, हम बैठा हुआ था साइड पे, हमसे तुम्हारी खातिर आया, वरना हम आता उता नहीं है। तो पठान मेरा मैसेज कौन पढ़ेगा? खुश है, अब हम जा रहे हैं वापस। लो साहिली इसको अब समझाओ। हाँ जी मैं आ गया। तो लैबा फ्रॉम लैबा हमारे साथ मौजूद है, इनका बहुत शुक्रिया लैबा फातिमा, थैंक यू। और हमारे साथ बैक टू बैक मैसेजेस और ये सब चीजें साथ साथ ही है। और क्या हो रहा है भाई, आपका शो सुन के पॉजिटिव असर ये हुआ कि आज मैंने अपनी फैमिली को अंदर भी नाराजगी थी वो खत्म कर, अच्छा अच्छा फैमिली के अंदर जो नाराजगी थी वो खत्म कर, अरे माशाल्लाह अल्लाह नजर ना लगाए जी आपकी इन अच्छी सी आदतों को। उसके बाद जी आदत खान हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं हाय भाई हाय, मैं भी डांस कर रहा हूं। अच्छा जी हमारे साथ जी जहरी मुगल हैं जो डांस कर रहे थे, वेरी गुड, अच्छी बात है, एक्सरसाइज बड़ी कमाल की है ये। हाय आरजे सालिजाज बहुत शुक्रिया। नुमान खान थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, एमन बहुत शुक्रिया इनका मैसेज करने की तारीफ कर रही हैं, थैंक यू सो मच। उसके बाद सलामकुम सर भाई, बिल्कुल आपका शो बहुत अच्छा जबरदस्त है, और भाई कल आपने जो पोएट्री सेंड की थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इनके दिल में घर कर गई, थैंक यू वेरी मच। एंड नफीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, इनका भी बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। रिमशा अब्बासी थैंक यू, वाह बहुत सी अच्छी बातें सीखने का मौका मिलता, ये मैंने नहीं कहा ये इन्होंने कहा, बहुत शुक्रिया रिमशा हमारे साथ मौजूद है। रईस खान अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सर, मैं बिग फैन, मैं भी आपका बहुत बड़ा हीटर हूँ, फैन ठंड लगती है फिलहाल, बहुत शुक्रिया। असलाम टू पाक आर्मी, वालेकुम सलाम फ्रॉम पाक आर्मी, बहुत शुक्रिया सरदार जहीद साहब आपका हमारे साथ मौजूद होने का। आवाज अच्छी जी की तारीफ कर रही है, अंदाज अच्छा है, बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम सुना है, इंशाल्लाह बार बार सुनते रहेंगे, जो हमारा शो जो फर्स्ट टाइम सुन लेता है उसके लिए बार बार सुनना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो ये कन्फर्म करने के लिए कॉल करते हैं क्या क्या चेक करते हैं कि वो यही था क्या, ऐसा होता है क्या। हेलो आयशा बासी फ्रॉम मरी, जी खुश होइएगा, थैंक यू वेरी मच जी आपका हमारे साथ मौजूद होने का। और टर्न ऑन द रेडियो सालियंस, खानी सालियंस का स्पेशल पैगाम आ चुका है जी, रानी फर्स्ट टाइम सुन रही है फ्रॉम अयूबिया। तो ये पता नहीं कहां से मेरे अंदर से मॉन्स्टर जाग रहा है, बहुत लोगों को वैसे इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा पसंद भी है, आई डोंट नो कि व्हाई पीपल डू लाइक हिम सो मच, बट मुझे थोड़ी सी जेलसी फील होती है, बिकॉज़ ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन व्हिच बेसिकली बिलोंग्स टू मी एंड ही जस्ट वांट टू लाइक हैव अ फज विद यू, सो लेट मी जस्ट कॉल हिम फॉर अ व्हाइल, नॉट फॉर दिस वेरी लॉन्ग, सो लेट मी जस्ट कॉल हिम। सो हाय मॉन्स्टर, हाय, वेल मॉन्स्टर कैन यू प्लीज टेल मी दैट हाउ यू फीलिंग अबाउट द शो? Yes, I'm feeling very good. Oh, great. Okay, just tell me that, क्या आप क्या शो के बारे में कहना चाहते हैं? Like, बुरा है ना? Not really. Oh, great. अच्छा, सच में नहीं है क्या? No, I'm just joking. Oh, great. Thank you. इतनी बुराई करने का. अच्छा, चलता हूँ. तो मास्टर मुझे ये बताओ कि, like, आप कहाँ से हो? I'm from the earth. Oh, wow. अर्थ से आप. अच्छा, great. तो मुझे बताइए कि क्या आप शो के बारे में, like, how do you feel about the show और कुछ feedback? You were just doing great. Oh, great. Thank you so much, Monster. आपको पता है कि Monster आपके बहुत से फैंस हमें सुन रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? Hello, hi. How are you, everyone? Oh, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी जगह ले रहा है क्या? अच्छा चल जा जल्दी से, मुझे शो करने दे, हाँ मुझे जल्दी जा जल्दी जा, मुझे शो करने दे। Okay, I'm going. Bye, bye, everyone. अरे मैं बिल्कुल नहीं थका। पर इतना कुछ मिलना क्या आसान है क्या? जालिम नजरों से तुम ना देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। मैंने कहते हैं ऐसे से कुछ चलाया नहीं है, सो व्हाई डोंट वी? आज के सवाल की तरफ, और आज के सवाल क्या है? आज के सवाल बड़ा सिंपल, बड़ा लॉजिकल और बड़ा मजे का होने वाला है कि व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, घूमना या सोना? सो टेल मी द राइट ऑप्शन, आपके लिए पहला ऑप्शन क्या बेहतर है, क्या चूज करना चाहेंगे, घूमना या फिर सोना? तो लेट मी जस्ट चेक कि कौन कौन यहाँ पर किस किस मिजाज के लोग मौजूद है, हमें कॉल कर सकते हैं
2540 मुझसे बात करने का इससे अच्छा मौका आपको मिल नहीं सकता। तो चलते हैं कि कौन कौन हमारे साथ बात करने के लिए आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहां से? फेसबुक वाली रमशा बासी और ओरिजिनल वाली आयशा बासी। अच्छा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं, आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, आप बड़े आज मैसेजेस, आप पहली बार आई है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, मैं पहली दफा आई हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली। अच्छा, थी और एक बात से मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट, बस कोई प्रॉब्लम है पर्सनली, तो मैं कह रही थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा नहीं, आई कैन डू इट। ओह माय गॉड, लिटरली ये फैसला आज किया आपने? Exactly, अभी अभी आपका शो सुन। वेरी गुड आयशा, थैंक यू सो मच इसको वैल्यू देने का, और महज इन बातों को असली शक्ल आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वो कहते हैं ना कि आप तो माशाल्लाह से काफी अच्छे हैं। पहली दफा मैंने सुना मुझे आपका शो सुन के, और मेरा दिल चाह के मैं अभी आपसे बात करूं, और इस सर्दी के मौसम में मैं बाहर गई जाके कार्ड लाया और लोड करके आपसे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना बहुत है कि मेरी आपसे बात होगी। और मैं एक बात सबसे कहना चाहूंगी कि जिंदगी में समटाइम ऐसे हालात आते हैं कि हम लोग बिल्कुल मायूस और नाकाम होके बैठ जाते हैं, लेकिन अगर एक चीज हम अपने माइंड में बिठा लेंगे, कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है वो हमेशा नाकामी होती है। अगर आप पहले स्टेप पे घबरा जाएंगे तो यकीन माने आप जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, नाकामी से आप बहुत कुछ सीखते हैं, और वो कहते हैं ना कि इंसान ठोकर लगने से ठाकर बनता है। तो प्लीज आप आयशा साहब, अभी याद आया क्या पहले किधर थी? पहले बस मैं बस किसी वजह से बहुत स्टार्ट हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की बात शायद आप ये नहीं देखो कि कौन क्या बात, कौन बात कर रहा है, बल्कि ये देखो कि वो क्या बात कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी है तो आप इसको अपने तर्ज़े ज़िंदगी में अपनाएं, तो यकीनन वो बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। एक अच्छी आरजे बन सकती हूँ ना वैसे? अरे वैसे तो अब आरजे हैं। नहीं, मैं एक दफा लाइफ जा भी चुकी हूँ। अच्छा, बिल्कुल, मैंने यही इरादा किया क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल नहीं मान रही थी कि मैं मीडिया की तरफ जाऊं। बेसिकली मैं मरीज से बिलोंग करती हूं, तो मैंने कहा नहीं मैंने जाना है, और इंशाल्लाह से जाना है तो जाना है। अच्छा, आपने मरी बोला, लिटरली मुझे ठंड लगने लगी। उस तरफ से ठंड क्या लाता है? बेसिकली आई एम फ्रॉम मरी, बट मैं रहती रावलपिंडी में हूं। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू। अब मेरी ठंड नॉर्मल हो गई है। तो आशीष आपने मुझे सही आपने सवाल का जवाब दिया। सॉरी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि व्हाट वुड यू प्रेफर, पहला है जी कि आपको घूमना पसंद है या सोना? सच बताना। मुझे तो सच्ची बात बताएं, घूमना बहुत पसंद है। ये चीज मुझे आज इस तरह के लोग चाहिए जो जरा मोटिवेशन जरा उभर के बाहर आए हैं। बिल्कुल, सोना मुझे तो वो लोग बहुत लाइक सब, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, ईद या कोई ऐसा मौका होता है वो अपनी नींदें पूरी कर रहे होते हैं, तो ये चीज मुझे इतनी ज्यादा बुरी लगती है। भाई आपको तो मौका मिला तो आप लोग सबके साथ घूमे फिरे, ये जिंदगी के जो दिन है ये जो मौके है वो बार बार नहीं आते, तो बड़े फायदा होता है। ये आज इतनी मोटिवेट हुई हुई है लड़की, इससे कुछ भी पूछवा लो, आज ये पाकिस्तान को एक और पाकिस्तान बनाने की तैयार हो जगह है ना लड़की। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे, और आप अल्लाह ताला आपकी जो जोश बुलबुला है, आज मैं आपकी पक्की वाली रेगुलर लिस्टर बन गई हूँ। थैंक यू सो मच, मैं भी आपका पक्का वाला रेगुलर आरजे बन गया हूँ। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, खुश रहना, खुश रहे, सलाम, आप भी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कोई है क्या मेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मोहम्मद हसन फ्रॉम फैसलाबाद। अरे सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, आपसे मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मेरे से बात ही नहीं की दो तीन दिन नहीं, तकरीबन चार से पाँच शो बस, फिर चार से पाँच शो जो आपने मुझसे बात नहीं की, मैं नाराज हूँ आपसे, मैं कट्टी हूँ। नहीं, उसके लिए मैंने आपसे सॉरी कर ली। अच्छा, सॉरी कर ली है, और मैंने माफ भी कर दिया होगा। मैं अच्छा बकायदा मैसेज करता रहा हूँ आपको, डन हो गया, मैंने भी आपको बकायदा माफ कर दिया। कैसे हैं आप? थैंक यू। किधर थे, सब खैरियत? जी ना, बस एक तो पहले दिन आपकी ट्रांसमिशन नहीं आई था, तो मेरी याद नहीं आती थी, बाद मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरी याद नहीं आती थी।
याद तो बहुत आती थी इसीलिए फेसबुक का सुनता था आपका। तो एक बार ऊंचा सा बोल देते ना कि साहिल भाई, तो मैं उड़ के आ जाता। मूवीज भी नहीं देखा क्या? वो तो मैं नींद में हमेशा शाम में आपसे बातें करता रहता। OMG, वाह भाई। वैसे पीछे से कोई हंसा भी है। ये पीछे से कौन हंसा है? ये पीछे से मेरे दोस्त हंसा था। हाँ, उसको क्या हंसना नहीं है, लड़का सीरियस बात कर रहा है। तो मुझे जल्दी से जवाब बताओ असन, क्या है आपके पास जवाब? जवाब तो फिलवक्त सर्दियों का मौसम है। ये? ठीक है, तो सर्दियों के मौसम के लिहाज से तो सोना पसंद है। वेरी गुड, तो ये आखिरी फैसला है आपका? जी हाँ, आखिरी फैसला है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सर, और कहीं मत जाया करो यार, इस शो को आपकी जरूरत होती है। मैं आइंदा के बाद कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास वापस आ गया है, तो 2-4 दिन के लिए ना घूमने गया था। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इसीलिए अब जल्दी से मोबाइल बेच के, मोबाइल बेच के जल्दी से ट्रीट खिलाओ। ट्रीट आपको तो कहा कि आप फैसलाबाद आए। यार आपने लारा मुझे एक डोनट का लगाया, मैं एक डोनट के लिए मुझे कुछ बड़ी लालच दो मुझे। आपको मेरा लाइव शो कराओगे? मैंने कितने डोनट भेजे थे आपको पता है? कहाँ भेज दिए? नहीं, आपको मैंने डोनट फेसबुक पर भेजे थे। बहुत जी, इतने थे, मैं कह रहा हूँ अपने सारे सालियों को खिला दिए, फिर भी दो बच गए थे। ठीक है ना, तो इसीलिए ठीक है। इससे ज्यादा बकायदा डोनर नहीं, और भी आप जो कहेंगे। थैंक्स मेरी जान, बहुत शुक्रिया, खुश रहना आप। अच्छा लगा आपने कॉल किया, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अरे ध्यान से गाइस, जब कॉल करते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर ले करें, कोई बात नहीं, मैं इतना सख्त आरजे नहीं हूँ। आई कैन जस्ट टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। सो लेते हैं कुछ मोर लाइव कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, शाद व आदाब रहिए मिस्टर साहिल दिखाई। अरे सर कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, माशाल्लाह, बड़े आपने स्टाइल से एंट्री मारी है आज। स्टाइल को आप देते हैं सर, हम तो बस थोड़ा सा सीख के आ जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और ये अल्लाह ताला ये मुस्कुराते बस यही बिखेरने आते हैं हम। हाँ मुझे पता है, आप दिल के भी बहुत अच्छे हैं, और आप चाहते भी यही हैं कि आपके सुनने वाले हमेशा मुस्कुराते रहें और कामयाब रहें जिंदगी। अच्छा एक मजे की बात आज आपको बतानी थी, वो ये कि आपका शो मोस्टली मैं गाड़ी में सुनता था आते हुए, और घर पे आता था तो फिर वो सीडी के साथ एक रेडियो है उसमें उसको लगा लेता। तो मैंने परसों अपने एक जानने वाले को भेजा बाजार, मैंने कहा यार एक छोटा रेडियो ले आओ, मैं बेडरूम में रख लूंगा। तो आप यकीन मानेंगे कि बाजार में, कराची जैसे बाजार में एफएम रेडियो अवेलेबल नहीं है, रेडियो ही अवेलेबल नहीं है। आप जैसे लिसनर भी तो अवेलेबल नहीं है ना। ये भी मतलब रेडियो इंडस्ट्री खत्म हो गई यार, तो रेडियो कैसे परमान चलेगा? बिल्कुल ऐसी, यही तो बात मैं आपको कहता हूँ सर, इसको वापस लाएं किसी तरीके से। भाई हम तो अपने दोस्तों से कहते हैं, और मोस्टली जो गाड़ियों में लोग ट्रैवल करते हैं वो तो सुनते हैं, इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि लोग दुकानों में भी सुनते हैं, बाकी इंटीरियर में भी सुना जाता है। मेरे ख्याल में लिसनिंग तो बहुत है, लेकिन ये कि इस कंपटीशन तो है, जाहिर सी बात है मीडिया का है, तो फिर आपके साथ मीडिया भी है, फिर टेलीविजन भी है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन रेडियो बहुत अच्छा है सर, रेडियो का मुकाबला नहीं। आपको पता है जिससे हम गाड़ियों में शुरू में रेडियो सुना करते थे तो क्या खुशी होती थी, क्या मुस्कुराहटें होती थी। वाह सर, आज भी मतलब ये रेडियो कमाल है, रेडियो लाजवाब है, रेडियो जैसा कोई मीडियम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं सर। मुझे जल्दी से सवाल का जवाब तो बताइए ना सर, अपनी प्यारी सी आवाज में। सवाल का सीधा सीधा जवाब ये यार कि मुझे बहुत सारा घूम फिर के और खूब थक के टाइट होके सोना चाहिए। अरे सर मतलब पहला ऑप्शन आपका घूमने का ही है ना? यस, इतना घूमे जी भर के इंसान थक जाए फिर सो। दुनिया में घूमने के लिए आए ना बेचारी। लाइफ में घूमने ही घूमना है, फिर इतनी थकन हो जाएगी सो जाएगा बंदा, दोनों काम हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता सर। सर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिल भाई, की हाल चाल है तुहाडा? अरे मैं क्या के हाल है, ठीक ठाक हो? हां सीधे ठीक ठाक है, मैं अरशद राही गल करदा 115 जीन दे दयालगढ़ मिले धरोर लालपुर तो।
अरशद साहब तुसी ते मैनू फसाता, मैं हर वारी नकल कर लेना, इस वारी मेरे वास्ते मुश्किल हो गया। लेकिन बहुत ही अच्छा तुहाडे नाल एतवार वाले दिन मेरी कॉल मिलदी हुंदी जिहड़ा 12 तो 2 तो 4 बजे प्रोग्राम तुसी करदे हैगे। बंदे मैं ते 2 तो 4 सो रहा हुंदा, केड़ा सुन लिया तू शो एतवार वाले दिन? एतवार वाले दिन ते मैं हुंदा ही नहीं, किसी होर नूं सुनिया सी ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁੱਤਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਦਿਨੇ ਹੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਦਿਨੇ ਨੀ ਕਦੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਦਿਨੇ ਨੀਂਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਕਿਉਂ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। मैं शेर सुनाओ बकरी, अज सारा शो तुहाडा। पिंडां विच डंगरां नूं पट्ठे पाउणे पैंदे ने, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਦੂਆਂ ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਡਾ ਕੇ ਪੀਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਣੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੀ ਉਡਾਉਣੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਸਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਰਵੇਗੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਰੁੱਸੇਗੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੀ। ਪੰਜੀ ਨੂੰ ਚਲੂੰਗੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਬਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੀ ਸਵਾਉਣੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਚਰਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੀ ਉਡਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਣ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਹੈਲੋ, السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے کہنے کی ضرورت ہے مجھے؟ نہیں، آپ نے سینئر بنا دیا، میں تو بالکل بچی سی ہوں۔ ہاں جی، میں نے کہا نہیں، مجھے سمجھ آ گئی تھی، آواز مجھے آ گئی، میں نے گھبرا کے کہا ہیں جی۔ ہاں جی، میں بچی سی ہوں۔ جی جی، آپ ابھی بچی ہیں، مجھے پتا بھی، آپ کا کل پریپ میں ایڈمیشن ہونا ہے نا؟ اچھا، پہلے تو سائن بھائی جی بتائیے۔ میں جی کہوں گی کہ وہ تو میرے موڈ اور موسم کے اعتبار سے ہونا چاہیے نا۔ بالکل، سردیاں ہونا تو میری کوشش ہوتی ہے میں سوؤں۔ ویری گڈ۔ کرونا والا مسئلہ ہے، یہ سردی بہت ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو مطلب میں نہیں چاہتی کہ میں پھلو پن کے باہر نکلوں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اور موسم اگر بہار اور خزاں کا، او ہو، کیا بات ہے! پھر آپ مجھے مری لے جائیں، نران جہاں کہیں گے، سوئٹزر لینڈ لے جائیں۔ کون لے جائیں؟ لے کے جانا چاہے، کون لے کے جانا چاہے؟ میرے تو تسی پاتا، میں آپ کو ادھر راجہ بازار تک لے کے جاؤں، اس حساب میں خرچہ کروا لیا۔ نہیں نہیں نہیں، وہاں میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اچھا، مطلب پاس آپ کے گھر کے؟ اچھا، کوئی راجہ بازار خرچہ میں کر سکتی ہوں؟ کبھی شاپنگ کی ہم نے وہاں سے؟ یو کے کا نام نہیں لوں گی، آج کل یو کے جانے والے آتے نہیں۔ کبھی شاپنگ کا نام، کبھی شاپنگ کی آپ نے راجہ بازار سے؟ آگے جا کے جب ہم جاتے ہیں، بالکل آگے، تو آگے جا کے رائٹ سائڈ پہ آتا ہے۔ جی جی، میں بھی کہیں تو مجھے شروع میں نا امی لے کے گئی تھی، میں تو ویسے زیادہ زیادہ پسند نہیں کرتا، بٹ لیکن ہاں وہ بہت رش ہوتا ہے عید والے دن، تو مت ہی پوچھے کیا ہوتا ہے۔ تو مطلب آپ نے وہ کھائی ہوئی ہے چاٹ؟ اب اس کی چاٹ ویسی نہیں ہے ویسے،
पहले बहुत मशहूर थी वो, पहले बड़ा वो पापड़ी शापड़ी डाल के बड़ा मजे का देता, अब वो ऐसे देता ही नहीं है, अब वो चीज ही नहीं रही, वो चीज नहीं रही बिल्कुल ऐसे। और उसके साथ देते थे बोतल, बंदा सी सी करता रहता था और साथ बोतल भी रहता था। वेरी गुड जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान से बताइए। हाँ सर भाई, मैंने कुछ मैसेजेस देने हैं बहुत जरूरी। एक तो सब लिसनर्स ने मेरी रिक्वेस्ट है कि यूके में मेरे भाई हैं, उनका हार्ट की सर्जरी है ना, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें सब। आमीन, क्या नाम उन्हें सेहत दें। और इसके अलावा मैंने सुना है अनिला को कोरोना हुआ है, अब मसल वो ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं, मानी भाई के लिए स्पेशली दुआएं, उनको प्लीज दो मान में रखे, सुना है उनको भी कोरोना है और वो जल्दी से वापस आ जाएंगे, वो हमारे वन वन की रोना के। और जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए परेशान होते हैं, तो आप आरजे भी तो हमारे फैमिली मेंबर है ना भाई, फिर आप लोगों को कोई मुश्किल होता हो तो हम इस टाइम तो आपके साथ है। बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा बोली 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 सांस क्यों चढ़ गया, भागते हुए बात सुन रही है क्या? नहीं, सर्दी में सांस चढ़ता है? नहीं, सर्दी में बुखार चढ़ता है, मुझे लगा सर्दी में से बुखार चढ़ता है तो सांस भी चढ़ता है। मैंने आपकी बात के लिए रुकी थी, आप क्या कह रहे थे? अच्छा चलो, थैंक यू सो मच मैम आपका कॉल, सबको उनकी तरफ से भी आपको वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। क्या कोई है क्या? हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर, कौन कहाँ से? जी प्रियाराम बोल रहा हूँ, बोलना चाहिए सर, क्या हाल? ठीक ठाक हो जी भाई जान? सर अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक। सर एक छोटा जा सवाल पूछा है मैं, मैं ये पूछा सी कि अपना मतलब तुसी की चाहते हो, घूमना या सोना? जी जी घूमना जी। ठीक हो गया, डन हो गया सर, मैं तुहाडी गल देख लैणा। सलाम देना ने? हां जी हुक्म करो, किनू देना ने? अरशद भाई बहुत ज्यादा ज्यादा सलाम और तमाम सुनने वाले ने, और अरशद शबीर और बाजी सैमा और अनिला बाजी और गुलकर नैन और पास फौज को, और सबको सबको सलाम। वालेकुम सलाम, कोई और साडा लायक खिदमत? अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और अब हम जाने वाले, अब तो सच में जाने वाले गाइस, जरा एक बार घड़ी की तरफ देखिए, ये वक्त को क्या है, इतनी जल्दी क्यों चलता है ये, अपनों के साथ सच में वक्त का पता नहीं चलता। कंडीशंस फॉर यू ऑल, और अब मैं जाने वाला हूं टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आई विल बी राइट बैक, क्योंकि अब ना रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज, मैं हूं आपका होस्ट, इधर आइए कान लगाइए, बताता हूं साहिल जास। Check. It's 11:30 p.m. We'll be back after the short commercial break. बात हो तालीम की या फिर तरबियत की, रेडियो पाकिस्तान रहा है हमेशा पेश पेश। वो कोई भी कुदरती आफत या फिर नामसाइद हालात, हमने बताया, हमने सुनाया और हमने पढ़ाया। हमेशा की तरह आज भी रेडियो पाकिस्तान दोहराएगा अपनी रिवायात को, सवारेंगे अपने मुल्क को, अपने मुस्तकबिल को रेडियो स्कूल के जरिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम उर्दू क्लास 2 से कुछ लाइंस को पढ़ना सीखेंगे। वजारत इत्तला तो रशियात और विफाकी वजारत तालीम पेशा वाराना तरबियत की मुश्तरिका काविश से रेडियो पाकिस्तान पर सुनिए रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रेडियो स्कूल। The topic that we are going to discuss today is effects of pollution. प्रोग्राम्स की तफसीलात और फ्रीक्वेंसी जानने के लिए विजिट कीजिए radio.gov.pk या फिर ऑफिशियल रेडियो ऐप रेडियो पाकिस्तान ऑफिशियल। रेडियो पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी आपके साथ साथ। जो मुश्किल भी सामने आए हमने कदम उठाना है, रोशन रोशन जगमग जगमग अपना चांद सितारा है, देखो
पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून एक पैगाम रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा आप सुन रहे हैं FM 101 मैं आ गया फ्लाइट सेंटर में बगैर किसी ताखील के हम चलते हैं अगली कॉल्स की तरफ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक कौन कहाँ से इनाम अरे इनाम भाई कैसे हैं अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक मेरा मेरा फ्यूचर का स्टार कैसा है जितनी आपने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप देखिएगा सर यही बातें होती है जो इंसानों को कामयाब बनाती है और होता ही क्या है सर ये क्या आपका शो गूगल पे बहुत लेट कर रहे हैं अच्छा ऐसा है क्या अरे शायद तो मैं लाइव शो नहीं कर रहा ना मैं गूगल पे सर्च सुन रहा हूँ अच्छा अच्छा शायद हो रहा होगा शायद होता है मुझे इसका आइडिया नहीं है खासा बट हो जाती है गलती इंसानों से भी होती है कंप्यूटर से भी हो सकती है तो होता कैसे हो अल्लाह का शुक्र सर मैं बिल्कुल अच्छा सर मुझे अभी मेरे दोस्त ने मैसेज किया कह रहे हैं कि नाम साहिल भाई का शो लगा हुआ मैंने कहा यार मैं तो सुन रहा हूँ लेकिन गूगल लाइव पे नहीं आ रहा गूगल पे सुन रहा हूँ अच्छा लाइव नहीं आ रहा क्या लाइव नहीं आ रहा ना तो मुझे कहते हैं यार दो मिनट की कॉल कर ले हमारे लिए मैंने कहा वो तो मैं वैसे भी करता रात नहीं कहता था पी अरे सर अरे सर थैंक यू सो मच दीजिए अपने दोस्तों को सलाम दीजिए खुल के दीजिए एहसान मुजफ्फर देख लो मैंने कॉल कर ली और शेर खान सुनो जी देख मियां वाली में बैठ के शो सुन रहा है बल्कि मुझे पता है कहां से सुन रहा है तो मैंने कॉल कर ली और उसके बाद ख्वाजा वाजिद सुन रहे हैं दोस्तों आप लोग बैठे हो मुझे लग रहा है कि आप ठंड में बैठकर ड्यूटी दे रहे हो आर्मी में अच्छा एग्जैक्टली होता है ठंड में होता है तो अभी आप साहिल भाई का शो सुनते हैं इंशाल्लाह आपकी जो है ठंड वगैरह खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी मैं यहाँ से हीटर फेंकने लगा हूँ थैंक यू सो मच ना मुझे सवाल का जवाब सवाल तो पता है ना जी जी मुझे पता है सर मैं सुन रहा था शो आपका तो बताओ तो सर मुझे घूमना बहुत पसंद है जब अगर आपको चक्कर लग गया आजाद कश्मीर में असल मैं बिलोंग करता हूँ आर्मी से ही मैं खुद मैं आज तक बता रहा हूँ आपके बारे में अच्छा अच्छा सर प्लीज बताइए अच्छा माशा तो मैं सर अगर आप वहाँ पे अगर आए तो मैं आपको सर बागून टॉप की जो है विजिट कर रहा हूँ आप वहाँ पे देखें मैं हो सके मैं आपको मैसेंजर पे जो है तस्वीरें वगैरह सेंड करूँगा उसकी अच्छा माशाल्लाह वेरी गुड जी अच्छा माशाल्लाह मतलब आप तो छा गए सर फिर तो लगता है कि कुछ चंद चढ़ाने वाला मेरा भाई है सर आपको मैं इंशाल्लाह इनविटेशन भेजूंगा आए तो इंशाल्लाह नाम भाई लव यू फॉर दिस एंड आई वुड लव टू क्योंकि आप लोगों का ये प्यार ही है सर जो हमें जिंदा रखे हुए हैं और हम हैं क्या सर भाई मैं कल इतना खुश हुआ तो मेरे कजन सारे मेरे पास बैठे हुए थे तो मैंने कहा यार देखो जो मेरा फेवरेट आरबी ना मैं उसको मैसेज मैसेज कर रहा हूँ और उसका रिप्लाई भी दे रहे हैं कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है मैंने कही वो रिप्लाई दे रहे हैं अभी मैं देखो उनके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे ट्विटर सेंड करेंगे और बाकी आपने की भी सेंड अरे सर देखिए ये हमारी कोशिश है सर पर और कुछ भी नहीं है सिर्फ कोशिश करते हैं कहीं से खुश हो जाए वो मेरे कजन इतना खुश हुए कहते हैं यार वाकई मान गए यार वाकई किसी आरजे से बात कर रहे हैं अरे सर लव यू फॉर दिस थैंक यू ये आप हम सब आपके हैं सर हमारा जिस्म हमारी रूह हमारी मोटिवेशन ले जाइए हमें नहीं चाहिए ले जाइए लेकिन आज जो है ना आपने पीएसएफ में बहुत इमोशनल हो गए तो मैं कल आपसे यही वजह पूछ रहा था इमोशनल होने की वजह तो आपने कहा था मैं किसी दिन बताऊंगा आपको अरे नाम कहानी ये है कि मैंने यार सच में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया लाइफ में मतलब वो कहते हैं ना एक रोटी की भूख एक निवाले की भूख सॉरी वो मैंने देखी हुई है इसलिए नहीं कि मेरे घर वाले मतलब उस तरह से कुछ था या हम गरीब शरीब ऐसा नहीं है बट मैंने शुरू से ही अपने आप को इंडिविजुअली सेटल करने की कोशिश की ना लाइक अपने दूसरा वो जो एक मेरी एक बीमारी ने मुझे बहुत ज्यादा डाउन लेके चले गए थे मतलब मैंने लास्ट टाइम शो में बताया था आप अभी आए मैं चार दिन मौत से दूर था सिर्फ चार दिन पूरा पैरालाइज हो चुका था तो बस वो किस तरह से हिम्मत करके निकल के वहां से आया तो यू कैन इमेजिन के हाउ मेरा पूरा ब्लड चेंज हुआ है पूरा ब्लड तो देख लो फिर ये मोटिवेशन कहाँ से आती है सो मतलब वो मुझे याद है कि वो मैंने किस तरह से वक्त गुजारा बड़ा मुश्किल था वो भी बट कोशिश करते हैं कि जो वहां से सीखा और आपको पता है एक मजे की बात बताता हूँ शायद आपको फर्क इससे पड़ेगा व्हेन आई वाज ऑन द स्टेशन मैं स्टेशन पे था और मैं उधर जो कंपाउंडर था मैं उसको मोटिवेट कर रहा था वो कहता है भाई पहले अपनी हालत तो देख मैंने कहा यार खैर कोई बात नहीं जब तक सांस है तब तक कोशिश करने दो ना तो ये हालात है क्या डिटेल थी वो फिर इंशाल्लाह कभी बताएंगे मैं मोटा मोटा मैंने आपको क्योंकि आपने मुझे पहले ही पूछा था तो मैंने कहा मुझे बुरा लगता है कि मैं आपकी बात को इग्नोर करूं तो मैंने बता दिया साहिल भाई आप वाकई मैं एक दिन आपने कहा था कि आप मशीन है तो मैं आपको वाकई आज कह सकता हूँ कि आप मशीन है कुछ कोशिश भाई कोशिश करते हैं बस आपको पता है कई बार लिटरली बहुत मुश्किल होता है जब गेट से अंदर आते हैं जब सामने गेट लगा हुआ है दरवाजा इससे सारी टेंशन बाहर छोड़ के आते हैं
एक दफा ऐसा होता है, पता नहीं आप बात इसको यकीन, एक दफा मेरा सर फटा हुआ था, खून निकल रहा था और मैं शो कर रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक, इस तरह से कर रहा, तो ये होता है। तो देख रहे आपकी ये बात मैंने पिक कर ली थी, मैंने कल आपको मैसेज भी बताया था कि साहब जी आप जितना मतलब कि आप खुश नजर आते हैं ना आपको एक और फनी बात बताता हूँ, फनी अच्छा फनी बात क्या, मेरे रिसेंटली पाँव का नाखून का ऑपरेट हुआ था, तो मेरे दोनों नाखून निकले थे और मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट पहले रेडियो आया था, मैं घर नहीं गया था क्योंकि वो तीन वो तो क्योंकि शो का टाइम था, तो मैंने कहा लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं उसी हालत में यहाँ पे आके शो किया था, मतलब साथ दो, दो एक दो दोस्त थे तो उन्होंने उठा के मुझे यहाँ लाए थे और मैंने फिर आके यहाँ पे शो किया था। इट्स नॉट बेसिकली मैं सिंपति नहीं चाहता, इसलिए मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज मैं चाहता हूँ कि लोग इससे लर्न करें ना कि यार यहाँ पे आना इतना आसान नहीं होता, और अगर आ चाहते हैं तो उसको मेंटेन करना, दिस इज समथिंग द बिग पॉइंट। तो मैं वैसे ही बताता नहीं हूँ, पर ये आज मैंने आपकी खातिर बता दिया। अच्छा मैं अभी आपको जो है ना फेसबुक के ऊपर मुकम्मल कमेंट पढ़ रहा था सबके ना, तो एक जितना भी आपको एक लड़की ने कॉल की थी ना तो वो शो की टाइमिंग पूछ रही थी आपकी, तो मैंने जैसे ही रिप्लाई कर दिया, मैंने कहा जी ट्यूजडे और फ्राइडे रात 10 से 12 और सैटरडे रात 12 से 2 आपको तो याद हो गया ना पूरा, इसलिए लव यू फॉर दिस इनाम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और आपका ये साथ देना ये प्यार देना मेरे लिए बहुत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, अच्छा से शो लेकर आते हैं। आमीन इनाम भाई बहुत शुक्रिया, लव यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर कॉलिंग, और मेरे अंदर की भड़ास निकालने का शुक्रिया। कुछ वर्ड वगैरह जो आपको पेश कर दिएगा, मैंने मैसेज किया था उसका आपको, किस वाले से, किस वाले से इनाम भाई की रेफरेंस से जो भी है उनका बहुत शुक्रिया, आप इतनी इज्जत देते हैं और अपने इनाम भाई का ध्यान रखा करें, आप डायरेक्टली मेरा ध्यान रखेंगे तो इनाम भाई को खुश किया करें, वो मुझे खुशी मिलती रहेगी, तो प्लीज ये यही करते रहा करें, ठीक है इनाम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ध्यान से ध्यान से, कॉल कटने वाला सफर है ना ये हमको बहुत टीज करता है। सो यू कैन कॉल अस ऑन 0511111001 और घड़ियों की तरफ देखते रहेगा क्योंकि वक्त चला गया। ओह माय गॉड, ये वक्त थोड़ी देर और रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं, क्या कर रही हैं? शो सुन रही थी, बुरा लग रहा था। मेरे को बुरा लग रहा था, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ होता है ऐसा, बट वहाँ पे भी सिग्नल आते हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, मुझे बताइए जरा शो का जवाब तो दीजिए ना पहले। अच्छा दीजिए, लेकिन फिर आपने हमें इस काबिल, हाँ जी बोली 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 बोली, आप बात कर रही थी, सॉरी मैंने काट दी बीच में, बोलिए। मैंने कहा कि आज मेरी बर्थडे थी तो मैंने इसलिए आपको कॉल की है क्योंकि अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी बर्थडे मना लें क्या? तो जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लेडी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मेनी मोर, एंड थैंक यू सो मच, आपने फिर मनोमन को इस काबिल समझा कि हम आपकी बर्थडे मना पाए और मुझ जैसे नाचीज आरजे को इस काबिल समझा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच पैदा होने के लिए। हेलो आप चलेंगी? हाँ जी बताइए। ठीक हो गया, मैं भी आपको अच्छा समझता हूँ इसलिए मैंने आपकी बर्थडे विश कर दी। थैंक यू सो मच लेडी कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। कोई है क्या? वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? आयशा फ्रॉम जेलम। कैसी हैं आयशा साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक, अच्छा चल रहा है, और अभी तो आपका शो सुन रहे थे। अरे क्या कुछ और काम करने के लिए नहीं था क्या, आज शो सुन लिया? नहीं
बिल्कुल आज काम करने को नहीं था, नमाज जल्दी पढ़ ली। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए ना कि क्या जवाब लाई है मेरे लिए। इसको मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, और मुझे ये कहना है कि मामी भाई के बारे में सुना है तो उनके लिए दे दो दुआएं, क्योंकि बहनों की दुआएं चला उन्हें वापस जरूर आएंगे अल्लाह उन्हें करे, और आपके लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। हेलो कोई है क्या, क्या मुझे कुछ सुन रहा है? वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से? हाय शुमैला मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हो रहा है? आपका शो सुन रहे हैं। अच्छा जी, क्या बात है जी आपकी। अच्छा तो क्या मतलब लाइक क्या चल रहा है उसमें, मतलब शो के साथ साथ क्या चल रहा है? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, वो जाग रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके पापा को और आपको भी बहुत सेहत दे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मुझे ये बताइए कि आप क्या जवाब लाई मेरे लिए। वेल, मैंने लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत कम की है, तो ट्रैवलिंग तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब फ्री टाइम मिलता है तो फोन आप फोन करते। ग्रेट ग्रेट वेरी गुड, थैंक यू सो मच आपका इस इतने प्यारे खिलाफ। आर्मी और तमाम लिसनर्स को सलाम, और आजिमानी और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको अपने हबीब के सदके शिफाए कामिल अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू सो मच, वेरी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो जल्दी करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कौन कहां से? खुदा सुबारी लाला मुसा से। अरे सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक? अल्लाह के करम पर आप ना सर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हो रहा है सर? अरे आपका प्रोग्राम अभी भी लगा है। अच्छा वेरी गुड सर, आपको सवाल का जवाब, सवाल तो नहीं बताओगे, सवाल का जवाब कैसे बताओगे? ऐसा ही सवाल बड़ा सिंपल सा सर, कि आपको घूमना पसंद है या फिर सोना? मुझे दोनों काम पसंद है। दोनों पसंद है, वेरी गुड, गाल ही हो गई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। अरे हमारे ग्रुप है लवली ग्रुप, उसका सलाम। मैं कह रहा हूँ लवली ग्रुप नू लवली जी असलाम है। अल्लाह हाफिज। तो हमारे साथ अभी शामिल हो रहे हैं लोग, और उससे पहले गड्डी नू लवा ला नी तू शीशे हुन काले ते हुस्न नू जग तो छुपा ले, अखियां ते तीर जांदे सी ना साडा चीर काला चश्मा तू अखियां ते ला ले, जिस दिन दी तू होई ए जवान तेरे हो गए ने। हमारे साथ मौजूद हैं जी, पार्टी तो बनती एग्जैक्टली, ये बॉस जवाब है आउटिंग आउटिंग, और सिर्फ आउटिंग, नाम नहीं बताया इन्होंने, और इन्होंने नाम बता देते तो और मजा आता और अच्छा लगता। पर थैंक यू असलाम उजाला, हमारे साथ मुझे बहुत शुक्रिया सॉन्ग की फरमाइश। अच्छा उजाला सच में सॉन्ग प्ले करने का टाइम है क्या? उसके बाद हमारे साथ जी निधा हूँ और अपने घर से। अच्छा ठीक है, मैं साहिल हूँ रेडियो से। कैसी हैं आप? प्री सेगमेंट वॉज ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस रिस्पेक्ट। हम की बातें सुनकर भंगड़ा तो बनता है वास। अच्छा ठीक है, प्लीज डालिए जी, खुल के डालिए। उसके बाद हमारे साथ जी मौजूद हैं नजम चौधरी फ्रॉम क्वेटा से, बहुत शुक्रिया आपका इतने दूर से शामिल होने का। मेहरुन निसा फ्रॉम रावलपिंडी, थैंक यू। सनम क्वेटा से मौजूद हैं, थैंक यू सो वेरी मच। तलहा फ्रॉम सियालकोट, हाय तलहा भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। फाज फ्रॉम सियालकोट और सनम क्वेटा से, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और अब सवाल ये है कि लोग मानी भाई कह रहे हैं अल्लाह ताला उनको बहुत ही जो है सेहत दे, खुशियां दे, और आप लोग टेंशन ना लें, चलो बहुत जल्द ठीक होके आप लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जी मोहम्मद उस्मान फ्रॉम इट्स उस्मान नॉर्मली लंदन बट नाउ इन दोहा वेटिंग फॉर द फ्लाइट, आई कैन अंडरस्टैंड ब्रदर, थैंक यू सो मच उस्मान फॉर टेक्स्टिंग अस। Again, hi everyone, thank you so very much. दीपा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने का। मेरे फ्रेंड्स भी आपको सुन रहे हैं और आपकी आवाज प्रस्तार होंगे प्योरली उर्दू में, जनाब जी जो है ये फरमा रही हैं। मास्टर कह रही है जी अलीजे खान हैं और सैरिश हैं, सैरिश शवान हैं, फरीद खान ज्यादा, ये सब शामिल हैं और आपको सलाम कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। इनको मेरी तरफ से वालेकुम सलाम कह दीजिएगा। नाम में कोई कंफ्यूजन हो गई तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ तो फिर वही बात है कि मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की।
अब सब आज से हमारे साथ मौजूद हैं जहरी मुगल, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, मैं कम इन प्लीज कम इन, मलाइका सलीम फ्रॉम क्वेटा. और ये थोड़ा सा लेट हो गई, इनका बहुत शुक्रिया फाइनली टाइम पे ना आने का. जी मोहिन साहब कह रहे हैं कि अपनी मॉन्स्टर आवाज में थोड़ा सा स्केरी जो सेगमेंट रखें. जी ऐसा है, बिल्कुल है, बट इसको लोग डर जाएंगे, मैं इसलिए थोड़ा ध्यान करता हूँ. जी न्यू करेक्टर भी इंट्रोड्यूस करा दिया जी मैंने, ऐसे ही विजय सुमैया खान फ्रॉम फैसलाबाद जी, ऐसे ही है, कोशिश की हमने बस थोड़ी सी और आखिरकार फाइनली थोड़ा सा कामयाब हो गए. यार मेरा दिल कर रहा है कुछ गाने का, सो चले गा लेते हैं. इसमें कौन सा कोई पैसे लगते हैं. मैं हारा जैसे टूटा हुआ हो सितारा, बसे आंसू बसे आहे मेरे हिस्से में है दर्द सारा, सपने आंसू बनके सब मेरे रह गए हो, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा. मैं सुती पई नू एग्जैक्टली साली जार, तूने सुती पई को जगा. मैं पूछे आज मौजूद जी कह रहे हैं उमी को जो है सलाम दे दे. बहुत शुक्रिया जी सहर गुल साहबा, मैंने आपकी फ्रेंड को उमी को मैंने सलाम दे दिया. उसके बाद आप सब सवालों का बहुत शुक्रिया आज मेरे साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारने का, पर अभी भी जो है वक्त बाकी है और आप लोग अटेंडेंस लगा सकते हैं. राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी कहां से बात कर रहे हैं, लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर. जैसे ही लिखेंगे तो फौरन से पहले आप आ जाएंगे हमारे शो के अंदर और सवाल का जवाब बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. सोना पसंद है या घूमना, और आज की सर्दी के मुताबिक ही बात कीजिएगा इससे पहले कि फंस जाए. हम हसन फैसलाबाद से जो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आ गया है पाकिस्तान का चांद तारा साहिल प्यारा. ये मैंने नहीं कहा वैसे, थैंक यू सो मच हसन. इसके बाद हमारे साथ जी ज़ारा फ्रॉम सरगोधा, डीजे किंग भाई कहते हैं आप कितने दिन थे, किधर थे आप, तो आ गए लेकिन बहुत लेट, मैंने आपको याद किया. अच्छा ठीक है जी, आप मैं थोड़ा लेट हो गया क्या? नहीं ऐसा नहीं है, आप इतने दिन आप तो आ गए हैं. अच्छा कहाँ थे एग्जैक्टली? मैं कहा था, मैं रेडियो शो नहीं कर रहा था क्योंकि इन्होंने मुझे सिर्फ 3 दिन ही दिए हुए हैं, मंगल की रात को 10 से 12, जुमे की रात को 10 से 12 और हफ्ते की रात को 12 से 2. ये 3 दिन ही बुलाते हैं, मैं क्या करूं. आपके बुलाने पे आ गए ज़हरा शाह इस्लामाबाद से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, हम ये जी अक्सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इनका, जितनी तारीफ करें उतनी कम है. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत तारीफ कर सकते हैं वैसे आप लोग चाहें तो. रोशनी हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने का. और आज मेरे खास से किसी की, मेरी साहिलियंस की तरफ से किसी की बर्थडे थी, मुझे किसी ने बताया था और उनको भी एडवांस हैप्पी बर्थडे रमला राजपूत, आई एम नॉट रॉन्ग. सालियंस की तरह से जिन जिन की एडवांस बर्थडेज हैं, और क्योंकि 12 के बाद मैं इस तरह से नहीं आप अवेलेबल होऊंगा, आप सब लोग जो इस वक्त मेरे फैमिली से जुड़ चुके हैं उन साहिल जा साहिलियंस फैंडम के तौर पे, उनका बहुत शुक्रिया वहां पर मौजूद होने का और मेरे साथ रहने का. मेरे ग्रुप की और मेरी इन सब की, मेरी लाइफ की कुछ प्रीमिसेस हैं जो मैं चाहता हूँ कि कायम दायम रहे, जिसके सबसे पहले आता है वुमेन्स रिस्पेक्ट.
और उसी को मैं लेकर आगे चलता हूँ। जितने लोग ज्यादा इन इन चीजों को इम्प्रोवाइज करते जाएंगे और ज्यादा बेहतर करते जाएंगे, वही लोग होंगे असल में इस शो के असल हकदार। क्योंकि यहाँ पर हम मस्ती मौज ये सब करते हैं, बट एक वो कहते ना कि प्रिमिसेस में जहां पे कभी किसी के दिल दुखने की कोशिश हमारी तरफ से नहीं होती, कि फिर कभी हो गई है तो आपकी मुस्कुराहट की कसम हमने कान पकड़ ली है, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। राजपूत इस समाज मौजूद है जो कह रहे हैं शो इज गोइंग फैंटास्टिक, रिशा फ्रॉम इस्लामाबाद, वैसे सोफिया भी मौजूद है, इनका बहुत शुक्रिया, सोफिया और सोनिया दोनों। हाँ सोनी कह रही है मैं गुजरात से, कैसे आप ठीक ठाक है साहिल सर, सुबह से वेट कर रही है आपका। अच्छा सुबह से वेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया, और शो फाइनली जो है अच्छा लग रहा है आपको, थैंक यू सो मच। बार बार टाइम देख रही थी, फाइनली 10 बज गए। नादिया हमारे साथ मौजूद है साली, इनका बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। बाद नीली अनिला हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम इस्लामाबाद, इनका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में शामिल होने का। जावेद फ्रॉम बखर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मरियम फ्रॉम सियालकोट, और मैं अहमद जैन आपको शो सुन रहा। हाय अहमद जैन, शो अच्छा है सच में क्या? तैयब फ्रॉम सियालकोट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तैयब, कैसे हैं आप? FM 101 चैनल पाकिस्तान फेसबुक पे लिखते ही यू गोना फाइंड मी आउट, एंड इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट एनीथिंग देन आई एम हियर टू सर्व यू। फर्स्ट फरवरी को बर्थडे होगी जी दिबा की, अच्छी बात है जी, हर एक को कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पैदा होता है, आप भी पैदा हुई, बहुत शुक्रिया। आपके मम्मी भी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आप जैसी काबिल औलाद पैदा की, इसे पक्का मुस्कुरा रही होगी। आरजे सॉन्ग सुपर, थैंक यू सो मच जी नुमान खान साहब, सुपर सुपर स्टार आरजे, सुपर लिसनर का कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमेशा याद रखिएगा। देखा ये हमेशा याद रहेगा। अब देखिए आपके मैसेज बिल्कुल आराम से पढ़ लिया मैंने। जी मास्टर जी मौजूद हैं, वाओ ऑसम सॉन्ग अच्छा लगा इनको, बहुत शुक्रिया के आरजे, थैंक यू। और उसके बाद लेबर साहब एंजॉय कर रही हैं, सॉन्ग भी पसंद आया इनको, शो भी एंजॉय कर रहे हैं, सब चीजें मिल बांध के चल रही थी कि इतने में मैंने घड़ी की तरफ देख लिया। ओह माय गॉड गाइस, आई डोंट वांट टू गो मैन, बट मुकद्दर और तकदीर का खेल कुछ हमको यहां तक ले आएगा, हमको अंदाजा नहीं था कि यहां पर इतनी जल्दी चले जाएंगे, सिर्फ वक्त का तकाजा है, क्या कर सकते हैं। सो जस्ट लेट मी जस्ट गो राइट नाउ, जाने का वक्त आ चुका है गाइस। सो मैं जाऊं क्या? नहीं ना, अपने भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। जनाब ये वक्त है जो रुकता नहीं है, हमारे कहने या ना कहने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट क्या कर सकते। चले जाने से पहले आप लोगों को बहुत सी दुआएं, और आखिर में अपनी एक छोटी सी गजल आपके नाम करके जाना चाहूंगा। मोस्टली अपनी जो नई गजलें हैं मैं वो थोड़ा सा मतलब लेट पढ़ता हूँ, और बाकी सारी पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक को बस याद हो जाए किस तरह से जो मैं यहाँ करता रहता हूँ, याद हो गई तो और क्या लगेगा। अच्छा, तेरे से अच्छा कोई लगता ही नहीं, हम सफरी किसी और की, मुझे ये जचता ही नहीं, तलबगार हूं निगाहे गुफ्तगु का मैं, कि साया तेरे साये का मुझे दिखता ही नहीं, शौक से पाला जिन्होंने इश्क हमने, कि कारवां लहरों का है जो अब हमसे रुकता ही नहीं, मुद्दत सी हुई रुखे आफ्ताब देखे हुए, कि अब आग भी पानी की झलक सहता ही नहीं, हर्ज क्या था दो पल की कर्जदारी का, अरे लुटा देते सब कुछ जो फिर तुमसे बिकता ही नहीं, सौंप दी तुमको धड़कन हमारे दिल की, लगाम उसकी निगाह तेरी, हश्र ये कि सुनता ही नहीं,
हुस्न है तू फूल के चमन का जैसे, सताया तेरी खुशबू का अब ये लाल रंग भी महकता ही नहीं। चलो अब लौट आओ, बहुत हुई पर्दादारी तेरी, अरे इस शहर में क्या करना जहां चांद भी चमकता ही नहीं, तेरे से अच्छा कोई लगता ही नहीं, हम सफरी किसी और की, मुझे ये जचता ही नहीं। Ladies and gentlemen, thank you very much for being here, for being that much special for me. And I just want to say, give mukde to nazra hatawa. I'm sure you know what is the next line. Ladies and gentlemen, मेरे जाने के बाद आप इस प्यारे सी जो है कलाम और गजल और सॉन्ग को इंजॉय कर सकते हैं, और मुझे बस दुआओं में और खुशियों में याद रखिएगा। मेरे पोस्टर घर में लगाने से बेहतर दिल में मेरा एक फ्रेम करा के कुछ रख लें, काम आएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं विद द नेम ऑफ आरजे साहिल एजाज ऑन इंस्टा, और साहिल एजाज विद द नेम ऑफ मतलब आप ये YouTube पे लिखें तो आपको मैं मिल जाऊंगा, और वहां पे फीडबैक दीजिएगा और मेरा राइट पेज को अप्रोच करने की कोशिश क्या करें। और उसके बाद सेम कंडीशंस फॉर Facebook, Facebook के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और सबसे जरूरी मतलब आरजे ना भी लिखें तो साहिल एजाज लिखें तो मैं आ जाऊंगा। और बहुत जरूरी है कि FM 101 को प्रमोट करें, रेडियो को प्रमोट करें, ताकि हम कुछ कर सकें अपने लिए भी, खुद के लिए भी, अपने लिए भी और खुद के लिए भी, और इस चैनल के लिए भी। तो कहीं मत जाइएगा, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता फिलहाल। No, just going right now. So thank you very much. Have a great night. A good night. And see you inshallah on Jumay's night. Jumay's night. 10 se 12. Huh? Friday's night ko milte hain. 10 se 12. Kahin ho jayega. Tab tak muskurate rahiyega. Haste rahiyega. Ab chalein 1, 2, 3 se Sahil. Main jaata hoon. Thoda mushkil hai. Par chalo milke karte hain. Chalo. Teen bolte hi. Sahil bolna hai aapne. Aur main. Chalo. 1, 2, 3. चुप क्यों हो गए, बोलिए ना, बोलिए मेरे साथ, बोलिए साहिल बोलना है। 3, 2, 1 बोलिए, नहीं बोलना क्या, चलो मैं बोल देता हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई गो, से इट, चलो मैं बोलता हूं, से साहिल। छेती आ जा हुण तक नहीं आना, छेती आ जा हुण।